हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहाँ पे एक बार फिर से आपके लिए लेके आई हूँ अमेजिंग सा स्टेशनरी कलेक्शन, वो भी पूरी बास्केट भर के। और आज इस कलेक्शन में तो बहुत अमेजिंग अमेजिंग पेंसिल बॉक्स, स्टेशनरी सेट और भी अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। तो चलिए एक एक करके सारे प्रोडक्ट्स का चेकआउट करेंगे और पूरी वीडियो को आप भी एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, आज मेरे पास सबसे पहले क्या है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है ये ब्लू कलर की एक डक वाली यहाँ पे पेंसिल शार्पनर, जो कि है यहाँ पे ओपन शार्पनर। इसमें हम अपनी पेंसिल यहाँ पे इजीली शार्पन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और इस डस्ट को साथ ही साथ क्लीन भी कर सकते हैं। और ये बिल्कुल डक जैसे लुक में दिखती है, जो कि है ब्लू कलर की। और यहाँ पे देखिए ये कितना प्यारा लुक है इसका, है ना अमेजिंग शार्पनर। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे एक और शार्पनर, जो कि है ये येलो कलर का शार्पनर। और ये देखिए ये है एक येलो कलर का पूरा एक बैग जैसा शार्पनर, जो कि हम स्कूल बैग लेके जाते हैं वैसा। इसके बैक साइड में हमें यहाँ पे बैग को कैरी करने के स्लिंग्स भी दिख रहे हैं। और फ्रंट लुक में इस पे बनी हुई है एक प्यारी सी टेडी बियर की पिक्चर। इसमें हम अपनी पेंसिल यहाँ से शार्पन कर सकते हैं, जिसको हम यहाँ पे पूरा डस्ट बाद में क्लीन भी कर सकते हैं। सो ये एक डस्ट कलेक्टर शार्पनर है, जिसे यहाँ पे ऐसे ओपन करके क्लीन किया जा सकता है और वापस बंद भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों मेरे पास यहाँ पे ये अमेजिंग सी डिज्नी प्रिंसेस वाली पेंसिल बॉक्स, जो कि है पिंक कलर की। ये देखिए कितनी प्रिटी पेंसिल बॉक्स है। बैक साइड से आप देखेंगे तो यहाँ पे और भी अमेजिंग अमेजिंग प्रिंसेस की पिक्चर है। 1 2 3 तीन प्रिंसेस की पिक्चर हमें इसमें मिल रही है। और ये ओवरऑल पिंक कलर का पेंसिल बॉक्स है। और फ्रंट में तो हमें यहाँ पे ट्रांसपेरेंट लुक भी मिल रहा है। सो चलिए इसको ओपन करते हैं। ये है बैक साइड, जिसको ओपन करते ही यहाँ हमें मिल जाता है पिंक एंड वाइट कलर का एरिया, जिसमें आप अपनी पेंसिल, इरेजर एंड शार्पनर्स रख सकते हैं। सो ये एक अमेजिंग सा पेंसिल बॉक्स, जिसमें आपको बहुत सारी स्पेस मिल रही है। बंद करते हैं इसको, चलते हैं फ्रंट लुक पे। ये है फ्रंट लुक, जिसमें हमें मिल जाता है यहाँ पे शार्पनर। ये है हमारा एक डस्ट कलेक्टर शार्पनर, जिसमें हमें मिलते हैं यहाँ पे दो दो शार्पनर। इस बटन को प्रेस करते ही ये हो जाता है हमारा शार्पनर ओपन, जिसमें हम यहाँ पे पेंसिल शार्पन करेंगे और डस्ट कलेक्ट हो जाता है इस एरिया में, जिसको ओपन करके क्लीन किया जा सकता है और इसे हम वापस बंद कर सकते हैं। सो ये डस्ट कलेक्टर शार्पनर। और ये है हमारा फ्रंट लुक, जिसको ओपन करते ही यहाँ मुझे मिल रहे हैं ऑलरेडी से कुछ स्टेशनरी प्रोडक्ट्स। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मिल रहा है ये हार्ट शेप का येलो कलर का ओपन शार्पनर, जिसमें आप अपनी पेंसिल शार्पन कर सकते हैं। सो ये एक क्यूट सा शार्पनर। दूसरा हमें इसमें मिल रही है दो दो पेंसिल्स, क्योंकि यहाँ पे है राउंड शेप की पेंसिल, वो भी डिज्नी प्रिंसेस वाली। ये देखिए ये है डिज्नी प्रिंसेस की पेंसिल, जिसमें हमें ये दो अमेजिंग लुक्स मिलते हैं। सो ये एक दो पेंसिल भी हमें इसमें पूरी पेंसिल बॉक्स में साथ में मिल रही है। तो इसको कर लेते हैं बंद, है ना अमेजिंग पूरा पेंसिल शार्पनर। नेक्स्ट है दोस्तों मेरे पास ये एक ड्रॉअर, जो कि यहाँ पे है आइसक्रीम की शेप में। और ये है एक इरेजर। जी हाँ, ये पूरा एक यहाँ पे आइसक्रीम शेप का हमें लुक मिलता है, जिसके अंदर हमें मिल जाती है इसमें इरेजर। में इसके अंदर इरेजर मिलेगी। चलिए आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ तो ये है बिल्कुल खाली लुक, और इसको हम वापस से अब ओपन करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगी इसमें इरेजर। तो ये कुछ इस तरीके का मैजिक बना हुआ है, जिसमें आप ऐसे ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको इरेजर नहीं मिलेगी, और आप इस डायरेक्शन से ओपन करोगे तो यहाँ इरेजर मिल जाएगी, जो कि यहाँ पर है एक सुंदर सी वाइट कलर की क्यूट सी इरेजर, जिसके ऊपर एक प्यारी सी लड़की अपने टेडी बियर के साथ बैठी है। सो ये एक क्यूट इरेजर, जिसको हम वापस अपने इस ड्रॉअर में रख के वापस बंद करके यहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हैं। सो ये एक मैजिक इरेजर, है ना प्रिटी इरेजर। इसके बाद है दोस्तों मेरे पास यहाँ पे ये एक प्यारा सा ब्लू एंड येलो कलर का ये एक डिज्नी प्रिंसेस वाला पेंसिल बॉक्स, जो कि यहाँ पे है ओवरऑल बहुत ही सुंदर लुक में, जिसमें हमें ब्लू एंड येलो कलर का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। और इसके ऊपर है 1 2 3 4 4 4 प्रिंसेस की पिक्चर। चलिए इसको ओपन करते हैं। सो बैक साइड से ये भी है बिल्कुल प्लेन, और इसमें हमें मिलता है सबसे पहले ये फर्स्ट लुक, फर्स्ट कंपार्टमेंट, जिसमें आप अपनी पेंसिल्स रख सकते हैं और इसमें बहुत सारी पेंसिल्स आप अपनी अटैच कर सकते हैं। इसमें हमें 1 2 3 4 4 पेंसिल्स को लिए अटैचमेंट मिल रहा है। करते हैं इसको बंद, चलते हैं सेकेंड लुक की तरफ। तो इसके मिडल में हमें मिल जाता है यहाँ पर ये अमेजिंग लुक, जिसमें हमें मिलता है ये वाइट बोर्ड, और इसके साथ यहाँ पर ये एक टाइम टेबल, जिसमें हम अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट्स लिख सकते हैं। और ये एक इरेजर भी मुझे इसमें मिल रही है।
नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक वाइट बोर्ड मार्कर जिससे हम इस वाइट बोर्ड पे जो मन चाहे लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे के फन, और ये हमारे चैनल का नाम है जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे हम इसको रिमूव करेंगे। सो ये देखिए ये कितने ईजिली यहाँ पे रिमूव हो गया है, जो कि बहुत प्रिटी लग रहा है। सो ये एक अमेजिंग सा पेंसिल बॉक्स विद वाइट बोर्ड। नेक्स्ट मेरे पास है दोस्तों एक और पेंसिल बॉक्स जो कि है ये डायनासोर के लुक में, जो कि है ब्लू एंड वाइट कलर के लुक में। सो ये एक ब्लू एंड वाइट कलर के लुक वाला डायनासोर का पेंसिल बॉक्स जिसमें मुझे तीन तीन कंपार्टमेंट मिल रहे हैं। जी हाँ, इस पेंसिल बॉक्स में मुझे मिलते हैं तीन तीन कंपार्टमेंट। बैक साइड की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल प्लेन ब्लू कलर हमें मिलता है, और फ्रंट लुक पे हमें मिल जाता है कुछ ऐसा लुक जिसके ऊपर डायनासोर की सुंदर सी पिक्चर बनी हुई है। चलिए अब इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं बैक साइड पे। ये है बैक साइड का लुक, जिसे हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे लुक मिल जाएगा, जिसमें हमारी पेंसिल्स हम यहाँ पे अटैच करके रख सकते हैं। सो इसमें हमारी बहुत सारी पेंसिल्स आ जाएंगी। देखिए कितना सारा स्पेस इसके अंदर है। इसको करते हैं बंद, चलते हैं फ्रंट लुक की तरफ। तो ये है फ्रंट लुक, जिसमें हमें मिलती है यहाँ पे कुछ ऐसे कंपार्टमेंट्स, जिसमें हमें यहाँ पे पेंसिल अटैचर भी मिल रहा है जिसको हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं और चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारी पेंसिल अटैचर्स का लिए पेंसिल के लिए स्पेस, और यहाँ पे है ये दो कंपार्टमेंट जिसमें आप अपने हाइलाइटर, कलर, पेंसिल, इरेजर सब रख सकते हैं, और साथ साथ इसमें वैक्स, क्रियॉन, ऑयल पेस्टल सब के लिए स्पेस बन जाएगी। सो ये अमेजिंग सा दो दो कंपार्टमेंट वाला हमारा पेंसिल बॉक्स। अभी तो इसमें एक और कंपार्टमेंट है जो कि है ये अपर कंपार्टमेंट, जिसको ओपन करते ही यहाँ पे मुझे मिलते हैं, ओ माय गॉड, इसमें तो मुझे ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जो कि है ये अमेजिंग स्केल्स। और इसमें मुझे मिलते हैं टोटल 5 स्केल, जिसमें मुझे ये सबसे बड़ा स्केल मिल रहा है जो कि है एक स्टेंसिल स्केल, जिसमें हमें यहाँ पे स्केल प्लस स्टेंसिल और ये जिगजैग लुक्स भी मिल रहे हैं। इस पे देखिए कितने सारे एंगल्स, कितने सारे हमारे यहाँ पे शेप्स बनी हुई है। यहाँ पे स्टार है, हार्ट है, सर्कल है, यहाँ पे हमें जो है स्क्वायर है, सब कुछ बना हुआ मिल रहा है। इसको हम इसमें रख सकते हैं। नेक्स्ट हमें इसमें मिल रही है ये एक स्केल, यहाँ पे सिंपल स्केल 1D, और ये दो हमारे ट्राइंगल शेप वाले स्केल। तो ये सारे स्केल आप इसमें यूज कर सकते हैं, और इसको वापस से यहाँ पे पूरे बॉक्स को बंद कर सकते हैं। और देखिए हो गया ये पूरा बॉक्स बंद। नेक्स्ट है दोस्तों मेरे पास यहाँ पे ये स्पाइडरमैन वाली एक अमेजिंग सी कार, जो कि यहाँ पे है रेड एंड ब्लैक कलर की। और अमेजिंग चीज़ देखिए, यहाँ पे तो स्पाइडरमैन रेड कलर में भी है और ब्लैक कलर में भी, तो आपको जो भी कलर पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये ऐसे राउंड राउंड घूमने वाली कार है। ये देखिए मैं इसको अपने हाथ पे भी घुमाऊँगी तो ये कितने अच्छे से यहाँ पे घूम रही है। और यहाँ पे इसके ग्रिपिंग वाले ये बड़े बड़े टायर्स कितने स्वीट लग रहे हैं। चलिए इसको आपको चला के दिखाते हैं। तो हम अपनी बास्केट को थोड़ा सा साइड कर लेते हैं और यहाँ पे अपने ये गाड़ी चलाते हैं। और ये देखिए ये कितनी अमेजिंगली पूरी टर्न अप करके ये गाड़ी हमारी चल रही है। तो ये प्यारी सी हमारी स्पाइडरमैन वाली गाड़ी, जो कि बहुत प्रिटी है और मेरी भी वन ऑफ द फेवरेट है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे दूसरे प्रोडक्ट पे। तो नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे ये एक बड़ा सारा पर्पल एंड वाइट कलर का बिग शार्पनर, जो कि मिलता है एक हैंडल के साथ, जिसमें हमें पेंसिल को घुमाने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें यह हैंडल घुमाना है और हमारी पेंसिल इसके अंदर शार्पन हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये पर्पल एंड वाइट कलर का लुक है, जिसमें ये पूरा बनी जैसा लुक है, दो दो ईयर्स बनी वाले। नेक्स्ट यहाँ पर मेरे पास है ये पेंसिल, जिसको हम यहाँ इस वाले होल में इंसर्ट करेंगे, और यहाँ पे बैक साइड से हम इस वाले पोर्शन को ऐसे घुमाएंगे, यानी इस हैंडल को घुमाएंगे, और इसके अंदर मेरी पेंसिल हो जाएगी शार्पन। ये देखिए कितना ईजिली ये मेरी पेंसिल शार्पन कर देगा। पूरी पेंसिल शार्पन होने के बाद हमें मिल जाएगा इसका डस्ट बैक साइड में, जिसे हम यहाँ पे इस ड्रॉर को ओपन करके क्लीन कर सकते हैं। देखिए कितना सारा डस्ट हो गया है इसके अंदर, और इसको हम आराम से क्लीन करके वापस यूज़ कर सकते हैं। सो ये एक पर्पल एंड वाइट कलर का क्यूट सा शार्पनर है ना, प्यारा शार्पनर। नेक्स्ट है मेरे पास दोस्तों यहाँ पे एक और पेंसिल बॉक्स, जो कि है ये BT21 वाली पेंसिल बॉक्स, वो भी स्काई ब्लू कलर की। देखिए कितनी प्रिटी पेंसिल बॉक्स है, जिसके बैक साइड पे हमें यहाँ पे एक वाइट बोर्ड भी मिलता है। तो चलिए इसको पहले हम ओपन करते हैं। सो ये है सबसे ऊपर का कंपार्टमेंट, जिसमें हमें ये सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, और उससे भी पहले यहाँ पे मिल रही है BT21 की सारी कैरेक्टर्स। तो ये हमारा है मिडिल पोर्शन, जिसको ओपन करते ही यहाँ मिलता है ये एक इरेजर, जो कि है वाइट कलर की। दूसरा हमें इसमें मिलता है ये एक शार्पनर, जो कि है ब्लू कलर का, और एक ये सीजर, जो कि है ब्लू कलर की। और देखिए कितनी अमेजिंग तरीके से इसको सेटअप किया गया
गया है और इसको कर लेते हैं बंद। चलते हैं हमारे मेन लुक की तरफ। तो मेन लुक है हमारा ये वाला, जिसमें हमें मिल जाती है यहाँ पे अमेजिंग से और भी प्रोडक्ट, जिसमें मुझे मिलता है ये एक स्टेंसिल जो कि है ब्लू कलर का, वो भी BT21 के प्रोडक्ट के साथ। यहाँ पे BT21 की पिक्चर भी मिलती है और ये मिलती है एक पेंसिल जो कि है यहाँ पे ब्लू कलर की राउंड शेप की। साथ ही साथ ये हमें एक वाइट बोर्ड मार्कर विद डस्टर भी मिल रहा है, क्योंकि इसके बैक साइड में यहाँ मिलता है ये पूरा वाइट बोर्ड जिसमें हम लिख करके इसको यूज़ कर सकते हैं। और देखिए इसके ऊपर हमें अल्फ़ाबेट्स और यहाँ पे नंबर्स भी लिखे हुए मिल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी और यूज़फुल पेंसिल बॉक्स। नेक्स्ट है दोस्तों मेरे पास यहाँ पे ये ऑयल पेंटिंग स्टिक का पैक, जिसमें मिल जाते हैं ये ऑयल पेस्टल कलर, जिसमें मुझे मिल रहे हैं 12 पीस ऑयल पेस्टल कलर, और ये है पिंक एंड पर्पल कलर के लुक वाला कॉम्बो वाला। ये एक यहाँ पे आपका ऑयल पेस्टल पैक, जिसमें मिल रहे हैं 12 कलर। चलिए इसको ओपन करते हैं। उससे पहले यहाँ पे बनी हुई है एक प्यारी सी डॉल्फिन की पिक्चर जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है, और इसको ओपन करते ही यहाँ मिल जाते हैं मुझे ये 12 कलर, जो कि यहाँ पे मुझे ब्लू, ब्राउन, ग्रीन, ब्लैक सारे कलर्स मिल रहे हैं जो भी यूजफुल कलर हैं। और अगर आप इसकी थिकनेस देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा थिक कलर्स हैं जिसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे अमेजिंग ऑयल पेस्टल कलर, हम इसको पूरा यूज़ कर सकते हैं। और सबके ऊपर बनी हुई है प्यारी प्यारी फिशेस और प्यारे प्यारे यहाँ पे सन की पिक्चर। नेक्स्ट है दोस्तों मेरे पास यहाँ पे ये एक इरेजर सेट, जिसमें मुझे मिल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 6 6 इरेजर, जो कि यहाँ पे एनिमल लुक के इरेजर हैं, और ये सारे डाई इरेजर हैं। देखिए कितने अमेजिंग इरेजर के पैक है। इसको हम ओपन कर लेते हैं, ओपन करेंगे और उसमें अंदर हम सारी इरेजर्स को चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पैक को पहले पूरा ओपन करते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, जहाँ पे ये डाई इरेजर लिखा हुआ है और यहाँ पे छोटे छोटे प्यारे प्यारे यहाँ पे आपके एनिमल्स बने हुए हैं। तो इसको ओपन करते ही चलिए देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स इसके अंदर मिलते हैं, कौन कौन सी इरेजर्स मिलती है। सो ये है हमारी अमेजिंग अमेजिंग इरेजर। चलिए सबसे पहले मिलती है ये एक पिग वाली इरेजर, जो कि है पूरी पिंक कलर की, और देखिए ये छोटा सा पिग है। नेक्स्ट है ये एक अमेजिंग सी क्यूट सी यहाँ पे एक मुर्गी जैसे लुक की इरेजर। देखिए ये बिल्कुल मुर्गी लग रही है, बिल्कुल हैन जैसे लुक में। नेक्स्ट यहाँ पे है ये एक और डॉगी जैसी इरेजर, और ये डॉगी कितना क्यूट लग रहा है वाइट एंड ब्राउन कलर के लुक में। नेक्स्ट यहाँ पे है ये बंदर जैसी इरेजर, और ये देखिए ये बंदर भी कितना हैप्पी हैप्पी लग रहा है, और ये छोटा सा पूरा बंदर का लुक। नेक्स्ट यहाँ पे ये है एक आपका जिराफ जैसा लुक, जिसमें ये एक छोटा सा यहाँ पे ऑरेंज कलर का एनिमल है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये एक और आपका एनिमल जो कि यहाँ पे बहुत ही क्यूट सा लग रहा है। तो ये ओवरऑल यहाँ पे 6 इरेजर जो कि सारी डॉगी या फिर यहाँ पे एनिमल्स के लुक में है। नेक्स्ट है मेरे पास दोस्तों एक ये पेंसिल बॉक्स जो कि है ब्लू कलर का, और ये है एक स्पेस ट्रैवल का पेंसिल बॉक्स, जिसमें मिलते हैं मुझे मल्टीपल बटन्स। चलिए इसको ओपन करके यूज़ करके देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। सो ये पूरा ब्लू कलर का पेंसिल बॉक्स है, जिसमें मुझे बैक साइड में यहाँ मिलती है नेम एंड क्लास लिखने की स्पेस, और यहाँ पे स्पेस ट्रैवल का लुक भी है, जिसके ऊपर प्यारी ये एस्ट्रोनॉट की पिक्चर है। इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही यहाँ मिल जाता है मुझे पेंसिल एंड इरेजर्स रखने की पूरी स्पेस, जिसमें आप अपनी पेंसिल, इरेजर, शार्पनर सब कुछ रख सकते हो। इसको करते हैं बंद। चलते हैं फ्रंट लुक पे। तो फ्रंट लुक पे कुछ ऐसा लुक मुझे मिलता है, जिसमें मिलता है ये एक शार्पनर, जिसमें हम इस बटन को ओपन करके शार्पनर यूज़ कर सकते हैं और इसे ऐसे ओपन करके यहाँ से डस्ट को क्लीन कर सकते हैं। तो ये एक शार्पनर इसमें मिलता है, साथ ही में ये डायरेक्शन का एक नेविगेटर भी मिलता है, इसमें आपको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ डायरेक्शन का पता चल जाएगा। चलिए फर्स्ट बटन प्रेस करते ही यहाँ पे मुझे मिल जाती है ये पेंसिल बॉक्स कुछ ऐसे, जो कि एक ड्रॉर की तरह खुल जाती है। तो यहाँ पे पेंसिल बॉक्स खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, और ये पूरी पेंसिल बॉक्स आपको एक्सेस हो जाएगी, और इसको आप ओपन भी कर सकते हो और यहाँ पे वापस इसको क्लोज कर सकते हो। सो ये कुछ इस तरीके से आपकी पेंसिल बॉक्स ओपन हो जाएगी। यहाँ हमें क्लास शेड्यूल भी मिलता है, और इसको हम कर सकते हैं बंद। सेकेंड बटन प्रेस करते ही यहाँ मिल जाता है हमें एक मेजरमेंट, और थर्ड बटन से मिलता है ये एक और कंपार्टमेंट, जिसमें इरेजर या इसके यहाँ पे आपकी शार्पनर रखी जा सकती है। सो ये ओवरऑल ब्लू कलर का अमेजिंग सा स्पेस ट्रैवल वाला पेंसिल बॉक्स।
नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है ये क्यूट कैट फ्लावर हाउस वाला पेंसिल का सेट, जिसमें मिलते हैं पूरा स्टेशनरी सेट। और यहाँ पे तो बहुत सुंदर ये पूरी स्टेशनरी किट बनी हुई है, जिसपे प्यारी प्यारी कैट्स बनी हुई है जो अपने फ्लावर में शॉप फ्लावर शॉप चला रही है। चलो इसको ओपन करते हैं। सो यहाँ पे इसमें हमें मिल जाता है एक थ्रेड, जिससे हम इसको यहाँ पे पकड़ के कहीं भी रख सकते हैं। और इसके अंदर मिलते हैं ये ढेर सारे प्रोडक्ट्स, जो कि हमें मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से, जिसमें सबसे पहले हमें मिल रही है ये दो पेंसिल्स, जो कि हैं यहाँ पे पूरी ग्रीन कलर की, जिसके ऊपर ये कैट्स की पिक्चर बनी हुई है और कैट्स अपनी फ्लावर शॉप चला रही हैं। और ये दोनों ही राउंड शेप की काफ़ी अच्छी क्वालिटी की पेंसिल्स हैं। नेक्स्ट हमें इसमें मिलता है ये पेंसिल बॉक्स, जिसमें आप अपनी पेंसिल्स रख सकते हैं, इरेजर रख सकते हैं। और बैक साइड में देखिए, यहाँ पर तो पूरा स्टडी मटीरियल मिलता है। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपकी सारी पेंसिल्स ईजिली आप रख पाएंगे, तो ये अमेजिंग सा पेंसिल बॉक्स। नेक्स्ट इसमें मिलता है ये एक और यहाँ पे अमेजिंग सी पेंसिल, जो कि है एक यहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल। इसको आप ऐसे ओपन कर सकते हैं और वापस इसको अंदर भी इंसर्ट कर सकते हैं। सो ये एक अमेजिंग मैकेनिकल पेंसिल। इसके लिए हमें रिफिलर भी मिलता है, जो कि है ये वाला। सो ये ग्रीन एंड वाइट कलर का छोटा सा बॉक्स, जो कि हम रिफिल के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हमें बहुत सारे रिफिलर्स मिल जाते हैं, ये देखिए, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है ये एक अमेजिंग सा पेंसिल टॉपर, जिसको हम पेंसिल के ऊपर लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे ये एक इरेजर भी है। सो ये पेंसिल टॉपर कम इरेजर का पूरा एक ये कॉम्बो। नेक्स्ट इसमें मुझे मिलता है ये शार्पनर एंड इरेजर, जो कि है ग्रीन कलर का शार्पनर और ये इरेजर, जिसे हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक अमेजिंग प्रोडक्ट इसमें मुझे मिलता है, जो कि है ये छोटा सा बॉक्स, जिसमें हमें मिल जाते हैं वैक्स क्रियॉन कलर, जो कि अमेजिंग कलर्स हमें इसमें मिलते हैं। देखिए कुछ इस तरीके के हमें इसमें कलर्स मिल जाते हैं, जिसमें हमें यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है चलो आपको दिखाते हैं। सो यहाँ पे हमें मिल रहे हैं येलो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड और बहुत अमेजिंग कलर, जिनको आप यूज़ कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल कलर्स। सो कैसे लगे दोस्तों आज का ये पूरा प्रोडक्ट्स? आपको अच्छे लगे हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।